आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशन होती है कोई आपको सेंड करता है स्लाइड शो में कन्वर्ट करके, जैसे कि आप उसे एडिट ना कर सको, तो हम उसे वापस प्रेजेंटेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये वीडियो में हम आज जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मेरे पास एक पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन है जिसे मैंने स्लाइड शो के नाम से और स्लाइड शो ही एक्सटेंशन नेम देकर सेव किया हुआ है। इस पर अगर मैं डबल क्लिक करके इसे ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये जो है मेरी पूरी स्लाइड शो प्ले होने वाला है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो मेरा स्लाइड शो है वो प्ले हो चुका है। यहाँ पर जैसे जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ वैसे वैसे ये नेक्स्ट हो रहा है और मेरी स्लाइड्स चेंज हो रही हैं। अगर यहाँ पर मैं कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस करता हूँ या राइट क्लिक करके इसमें एंड स्लाइड शो करता हूँ तो मैं यहाँ पर वापस से अपने डेस्कटॉप पर आ चुका हूँ और स्लाइड शो से एग्जिट हो चुका हूँ। तो अगर मुझे इस स्लाइड शो में कुछ भी चेंज करना है तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो वो हम जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इस फाइल का एक्सटेंशन नेम शो करना है, जिसके लिए सबसे इजी वे ये है कि अगर आपके पास विंडोज़ 10 है, 8 है या 11 है तो दिस पीसी में जाएंगे। दिस पीसी में जाने के बाद आप व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है फाइल नेम एक्सटेंशंस, इस पर आप टिक मार्क लगा देंगे तो आपको सभी फाइल्स का एक्सटेंशन दिखना शुरू हो जाएगा। इसके लिए मैं यहाँ पर आपको इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, और अब यहाँ पर टिक मार्क लगा देता हूँ इस पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका एक्सटेंशन नेम शो हो रहा है जो कि है PPSX, ठीक है। जबकि अगर हमारी कोई प्रेजेंटेशन होती है तो उसका जो एक्सटेंशन नेम होता है वो PPTX होता है, ठीक है। यहाँ पर S है शो के लिए, तो हमें अब इसको क्या करना है, चेंज करना है। चेंज करने के लिए हम इसको कर देते हैं क्लोज। तो अब हम इस पर काम शुरू करते हैं। काम शुरू करने से पहले हम इसकी एक कॉपी बना लेते हैं। कॉपी बनाने से ये फ़ायदा होगा कि अगर हमसे कोई गलती होती है तो हम उस गलती को सुधारने के लिए अपनी इस फाइल को डिलीट करके इसकी दूसरी कॉपी बनाकर उस पर काम कर सकते हैं। तो कॉपी ज़रूर बना लीजिएगा अपनी फ़ाइल की, क्योंकि हो सकता है आप कोई मिस्टेक कर दें जिसकी वजह से आपकी ये फ़ाइल करप्ट हो जाए। तो हम क्या करते हैं, इसका जो एक्सटेंशन नेम है इसका एक्सटेंशन नेम .zip कर देते हैं और एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद आपसे एक इस तरीके से विंडो आएगी और ये आपको वार्निंग देगा, तो इसे हम यस कर देते हैं। और यस करने के बाद आप एक बार रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं ये जो हमारी स्लाइड शो थी अब zip में कन्वर्ट हो चुकी है। अब हमें करना क्या है, इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आप इसको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट शेयर कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट टू कॉपी स्लाइड शो कॉपी, इस पर कर देते हैं। यहाँ पर ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है। एक्सट्रैक्ट होने के बाद आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर एक फोल्डर आ चुका है स्लाइड शो कॉपी करके, जो कि इसकी क्या है, एक्सट्रैक्शन है। तो अब हम इसको ओपन करते हैं डबल क्लिक करके। डबल क्लिक करने के बाद इसमें आप देख सकते हो ये आपके पास फोल्डर्स हैं। इन फोल्डर्स में आपको ये जो लास्ट वाला है कॉन्टेंट टाइप, इस पर आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद करना है। ओपन विद में जाने के बाद आप यहाँ पे नोट पैड सेलेक्ट कर लीजिएगा, छोटा सा सॉफ्टवेयर है, सभी के कंप्यूटर्स में होता है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, आपको कंट्रोल प्लस एफ़ करना है। कंट्रोल प्लस एफ़ करने के बाद आप यहाँ पर फाइंड करेंगे। फाइंड में आपको क्या लिखना है, फाइंड में आपको लिखना है स्लाइड शो और फाइंड कर देते हैं। अब जैसे ही आप फाइंड करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ फाइंड आ गया। आपको इसको क्या करना है, फाइंड की जगह आपको प्रेजेंटेशन लिख देना है। प्रेजेंटेशन लिखने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा कंट्रोल एस करना है, इसको सेव करना है। सेव करने के बाद आप इसे क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करने के बाद ये चारों जो आपके एक्सट्रैक्ट करने के बाद आई थी चीज़ें, इनको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, सेंड टू पर जाना है और कंप्रेस एज जिप फोल्डर कर देना है इसे। जिप फोल्डर करने के बाद ये फाइल जिप होगी आपकी, कंप्रेस्ड होकर जिप होगी। जिप होने के बाद ये आपको इसका रीनेम करने का ऑप्शन अपने आप दे देता है। तब आपको इसको क्या करना है, रीनेम कर देना है। रीनेम करने के लिए आप इसका जो भी नाम रखना चाहते हो, जैसे अब आप इसको रख देते हैं, हम इसको कर देते हैं प्रेजेंटेशन। लेकिन इसका एक्सटेंशन नेम आप ध्यान दीजिएगा, जब हमारे पास यहाँ पर जो स्लाइड शो था उसका एक्सटेंशन नेम था PPSX, क्योंकि अब हमने इसको कन्वर्ट कर दिया प्रेजेंटेशन में, तो इसका जो एक्सटेंशन नेम है वो PPTX होगा, ठीक है, PPTX, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन हम MS Office का यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद हम एंटर कर देते हैं। एंटर करते ही आपसे बोलता है कि अगर आप इसका एक्सटेंशन नेम चेंज करोगे तो जो आपकी फ़ाइल है वो करप्ट हो सकती है और यूज़ेबल नहीं रह सकती, हो सकता है वो अनयूज़ेबल हो जाए। तो हमें क्या करना है, इसको यस कर देना है वार्निंग को, और आप देख सकते हो यहाँ पे आपके प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट हो चुकी है। क्लिक करने के बाद इसे ओपन देखो, ये पावर पॉइंट में ओपन हो रही है, स्लाइड शो ओपन नहीं हो रहा इसका, जैसे कि पहले ही स्लाइड शो में ओपन हो रही थी। और अब आप देख सकते हो यहाँ पर आप कोई भी चेंजेस इसमें कर सकते हो, ये आपके पावर पॉइंट में ओपन हो गई है। तो हम आप इसको स्लाइड शो करते हैं फ्रॉम बिगनिंग, कि हमारे जो एनिमेशन थे या ट्रांजिशन थी वो काम कर रही हैं नहीं कर रही हैं। तो आप देख सकते हैं ये पहले की तरह प्रॉपर काम कर रहा है। तो हम इसको कर देते हैं एस्केप। दोस्तों वीडियो कैसा लगी है ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारी आने वाली वीडियोस के लिए, टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।